Welcome to my channel, Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome on our YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं आप सब लोग? I hope and wish कि सभी बहुत अच्छे हैं. जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंतर्गत विद्या संबल योजना कार्यरत है और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज और स्कूल्स, जो गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल्स हैं, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, गेस्ट फैकल्टी पर पढ़ाने का मौका मिलता है. तो उसी के रिगार्डिंग जो कॉलेज एजुकेशन है, उसके फॉर्म्स वगैरह पहले फिल किए जा चुके थे, बट रिसेंट में जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो किसके लिए हैं, वो स्कूल लेवल के लिए हैं. और स्कूल लेवल में जितने भी लेवल्स होते हैं, लाइक आपका जो थर्ड ग्रेड है, आइदर सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी के लिए ये रिक्रूटमेंट्स हैं. और ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी आपके स्कूल्स रनिंग कर रहे हैं और जितने वहाँ पर ओपन सीट्स हैं, उन्हीं सब के लिए आपके पास क्या है, रिक्रूटमेंट के ऑप्शंस रहेंगे. काफ़ी सफिशिएंट नंबर में ये वैकेंसीज आएंगी, ध्यान रखिएगा. बट हमारे पास टाइम स्पेसिफिक रहेगा इसमें अप्लाई करने का, और जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी. तो इन सब के रिगार्डिंग हम क्लियर बात पूरी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना ताकि किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न ना हो, ना आपको कमेंट सेक्शन में पूछने की नीड पड़े और ना किसी और से कन्फ्यूज़न क्लियर करने की नीड होगी. तो आप लोग अगर वीडियो को देखेंगे कम्प्लीटली तो आपकी सारी चीज़ों के जवाब यहीं क्लियर हो जाएंगे. तो गाइस, जो भी चैनल पर नया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं उनकी बात करते हैं और कॉमर्स के टॉपिक्स वगैरह को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें. और इसी के अलावा एक प्रीवियस वीडियो भी है जो स्कूल लेवल की वैकेंसीज पर बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो इसी वीडियो को यहाँ पर हम समराइजिंग वे में बात करेंगे, वहाँ पर मैंने और डीप में बताया, यहाँ पर हम किस किस चीज़ की बात करेंगे. एक तो फॉर्म कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने हैं, फॉर्म किस तरीके से फिल होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये सब बातें हम कंप्लीट वीडियो में करने वाले हैं. पेमेंट की हम पहले भी बात कर चुके थे बट एक बार और कर लेंगे. किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, तो इन सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे. साथ ही गाइस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको जो स्कूल्स में वैकेंसीज निकलेंगी उसकी PDF जब भी निकलेगी आपको ऑन टाइम मिल जाएगी. ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की अपलोड कर दी है, जिसमें जालौर, कोटा, टोंक, सीकर, इन सब की वीडियो, इन सब की जो आपके लिए PDF है, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं, धौलपुर 1871 समथिंग करके वहाँ पर वैकेंसीज निकलने के चांसेस हैं. तो गाइस, इट्स अ वेरी बिग नंबर, और जहाँ तक उम्मीद है 90,000 के आसपास ही वैकेंसीज निकलेंगी. तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अवेयर रहें, क्योंकि डेट हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगी. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाएं. ये आदेश है आपका 2/9/2022 के अंतर्गत ये निकला था. और इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योग्यता. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनको अपनी योग्यता पता होती है, बट फिर भी नहीं पता तो बता देते हैं. फर्स्ट ग्रेड जो टीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि आपका देखा जाए तो जो 11th 12th के लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है BEd प्लस जो भी आपका संबंधित सब्जेक्ट है उसमें आपका PG होना चाहिए. इसके अलावा जो सेकेंड ग्रेड है उसमें आपका BEd मैंडेटरी है, ठीक है. यहाँ पर रीट लेवल 1 और 2, तो यहाँ पर जो भी रीट कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर रीट का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा. प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, तो यहाँ पर 12th पास जो कैंडिडेट्स होते हैं, बट उन्होंने क्या हो, साइंस के अंतर्गत अपना 12th किया हो या फिर इसके लिए डिप्लोमा हो, तो क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि आपका 12th प्लस जो आपके पास फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के लिए सर्टिफिकेट या फिर डिग्री चाहिए, वो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाती है. तो उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्या है, अप्लाई करने का मौका मिलेगा. यहाँ पर कुछ नोट्स दे रखे हैं, खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार फिर भी जल्दी से हम रीड कर लेते हैं. यहाँ पर 2 तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर इन द सेंस जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं है. ऑब्वियसली बात है, अगर गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे तो हमें गेस्ट फैकल्टी की नीड भी नहीं पड़ेगी. इसी के साथ जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको रीट का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बाध्यता यहाँ पर उनके लिए नहीं है. यहाँ पर सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी दोनों लगाए जाएंगे. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो, यानी कि जो न्यूनतम योग्यता की हमने यहाँ बात करी है वो उनके पास होनी चाहिए, परंतु
अध्यापक लेवल 1 और 2 पद के लिए क्या है, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रीट की बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी। जो महात्मा गांधी विद्यालय है वहाँ पर अगर इंटरव्यू होने के बाद भी, 2 बार इंटरव्यू होने के बाद भी पोस्ट खाली है तभी वहाँ पर पोस्ट निकलेगी, अदरवाइज वहाँ पर पोस्ट नहीं निकलेगी। और इसमें एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि महात्मा गांधी स्कूल्स में जो आपका एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, तो या तो CBSE कैंडिडेट या फिर RBSE इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने क्या किया है अपनी एजुकेशन स्कूलिंग कम्प्लीट की है, इसके अलावा कॉलेज, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, महात्मा गांधी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। रिक्तियों की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी रिक्तियाँ निकलेंगी सब स्कूल्स में उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और रिक्तियों का प्रकाशन कैसे होगा, तो गाइज वो देखने वाली चीज़ है। विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय PEO विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय और विभागीय वेबसाइट। हमें तो सबसे अच्छा है कि हमारे विभागीय की जो क्या है वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल के आप टेलीग्राम लिंक पर जाके टेलीग्राम चैनल पर भी क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है किसी को साइट पर जाकर देखना आए नहीं है, टाइम वेस्टिंग लगे, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये चीज़ अपलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया, तो यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, काफ़ी कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे सवाल थे, तो गाइज इसको मैं क्लियर कर दूँ आपको। मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये कम्प्लीटली क्या है, एक तो ऑफलाइन प्रोसेस है, इसमें ऑनलाइन का कोई सीन नहीं है। आप किसी ई मित्र वगैरह वाले के पास जाकर परेशान ना हो, आपको खुद को स्कूल जाना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर साफ लिख रहा है, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हैं, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज जिनकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, संलग्न करके विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार टाइम टेबल की भी हम बात करेंगे, अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या फिर PEO को क्या करें, स्वयं व्यक्तिश विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर क्लियर दे रखा है कि आपको खुद को प्रेजेंट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी रिलेटिव वगैरह को भेज रहे हैं या फिर बाय पोस्ट आप क्या कर रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं। गाइस बिल्कुल नहीं, आपको खुद को ही वहाँ पर प्रेजेंट होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत इन द केस हो सकता है कि अगर आपके कोई जानकार वगैरह वहाँ पर हैं और वो आपको अलाउ कर देते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट केस, कम्प्लीटली डिफरेंट केस। बट अगर जनरल और जेन्यून बात करें तो जो कैंडिडेट है उसको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अप्लाई करने जाना पड़ेगा। और इसमें ये चीज़ भी है कि काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलेंगी, तो ऑब्वियसली बात है हम या तो हमारे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में, नियर बाय गाँव में, टाउन में, जहाँ पर भी होगी हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब हमारा स्कूल पास में ही है तो हमें पोस्ट करने की भी नीड नहीं है ना, हम तो क्या करेंगे वहाँ पर खुद से प्रेजेंट हो सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अब इसके बाद है मेरिट का निर्धारण कैसे होगा, तो गाइज ध्यान रखिए, काफ़ी लोगों का था कि मैम किसी तरह का इंटरव्यू होगा क्या, गाइज देर इज़ नो इंटरव्यू कम्प्लीटली, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल और केवल क्या होगा मेरिट बनेगी। और मेरिट किस बेस पर बनेगी हम वो देख लेते हैं, VSY के विद्या संबल योजना, VSY इन शॉर्ट किसको बोलते हैं हम, इसके तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद और विषयवार वरीयता सूची का, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, प्रकाशन संबंधित प्राचार्य और PEO द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसा हमने बात कर लिया था कि BEd के साथ PG चाहिए, UG चाहिए, तो न्यूनतम आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो उसके प्राप्तांकों का कितना, 75%, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका 10th 12th और PG UG, उनका टोटल का 75% प्लस आपकी जो प्रशैक्षणिक यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करा है आपने उसके प्राप्तांकों का 25% जोड़कर क्या करेंगे ये लोग, आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर जगह पर काफ़ी सारे फॉर्म्स अप्लाई होंगे तो फिर मेरिट डिसाइड करना तो मैंडेटरी है, तो उसका ये पैटर्न रहेगा, 75 प्लस 25 का रेशियो रहेगा, 25 आपके BEd वगैरह में कितने मार्क्स हैं और 75 आपका जो रिमेनिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वहाँ पर कितने मार्क्स हैं। समान अंक होने की स्थिति में जो अधिक आयु वर्ग के क्या हैं अभ्यर्थी हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर कोई पर्सन 27 साल का है और नेक्स्ट पर्सन 24 ईयर्स का है, दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो पहले प्रेफरेंस 27 ईयर वाले को दी जाएगी, 24 ईयर वाले को नहीं। और किसी भी स्तर पर ध्यान रखिएगा इस कोई साक्षात्कार वगैरह नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी है कि मैम इसमें किसी भी प्रकार का चीटिंग वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड है, तो आप लोग ये ध्यान रखें फेयर काम है इसीलिए मेरिट है, तो इसकी चीज़ तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे ये भी पूछा था तो मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप लोग आराम से बेफिक्र होकर अपना अप्लाई करें, अगर आपके मार्क्स गुड है तो देर इज़ अ गुड चांस ऑफ सिलेक्शन। और इसके बाद है परिवेदना प्रस्तुत करना, पात्रता और वरीयता के संबंध में किसी भी तरीके की अगर आपको कोई शिकायत वगैरह है तो संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप क्या करेंगे 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।
और नेक्स्ट है इसके बाद मानदेय की बात कर लेते हैं। खैर मैंने ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, बट ठीक है हम इस वीडियो को थोड़ा सा इसमें भी एक्सटेंड कर लेते हैं और ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। जो आपका क्या है लेवल 1 और 2, तो वहाँ पर मिलेगा गाइस आपको 300 रुपीज़ पर लेक्चर प्रति घंटा, ठीक है 60 मिनट्स। तो पर लेक्चर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि स्कूल में जो लेक्चर होते हैं वो बेसिकली 30 to 45 मिनट्स के होते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या होगा 60 मिनट के 300 रुपीज़ मिलेंगे। और अधिकतम मासिक मानदेय कितना है आपका 21,000 रुपीज़। वरिष्ठ अध्यापक 9 to 10th है तो उनको 350 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलेंगे 25,000 रुपीज़। प्राध्यापक की बात करें तो 11th 12th तो 400 रुपये उनको मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिलेंगे 30,000 रुपीज़। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में काफ़ी सारे लेक्चर ले दिए तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, नहीं गाइस यहाँ पर एक लिमिट है कि आपको इसके बाद मतलब इसके ऊपर कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला। लैब असिस्टेंट को मैक्सिमम 21,000 और सेम फॉर PTI 21,000। अन्य कुछ शर्तें हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर फॉर्म की हम बात करेंगे। देखिए गाइस इसमें इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ क्या दे रखा है। अगर आपके काम को क्या किया जाएगा, आपके सीनियर्स के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और आगे अप्रूव किया जाएगा तभी आपको आपका पेमेंट मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता में लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी क्या होगी गेस्ट फैकल्टी की सेवाएँ समाप्त कर दी जाएगी। और इसी के साथ गेस्ट फैकल्टी के लिए जो चयनित होंगे उनको 7 दिवस के अंतर्गत क्या होगा सहमति देनी होगी, और जब भी आपको डेट मिलेगी ज्वाइनिंग की तो आपको उसी डेट पर ज्वाइन करना होगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले होगा तब तक के लिए क्या होगा आपको पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। कहने का मतलब है या तो सेशन ख़त्म होने तक और या उससे पहले क्या होता है कोई आपके सीट पर ट्रांसफ़र वगैरह से आ जाता है या फिर डेपुटेशन वगैरह से तो वो आपको हटा दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो कि 30 मार्च 2021 को पारित हुए थे। और यहाँ पर अनुशासनहीनता और कार्यकुशलता में कमी वाली बात यहाँ पर कही गई है। दुराचरण अनियमितता इन सब में लिप्त पाए गए तो आपको विमुक्त कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं गाइस क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी स्कूल्स की विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन होगा 1 नवंबर 2022 को। हालांकि इससे पहले जो डिटेल्स वगैरह निकल रही हैं तो उनकी PDF हमारे पास अवेलेबल है और हमने उसको बैक टू बैक कोशिश जारी है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं उसको अपलोड करती रहूं ताकि आप लोग पहले से ही रेडी रहें कि हाँ हमारे नियर बाय होम टाउन में या फिर नियर बाय आपका जो प्लेस है वहाँ पर ये विज्ञप्ति निकलने वाली है, ये प्लेस खाली है तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ। उसका फ़ायदा ये है कि हम ऑन टाइम क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पहले ही कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे को ये लोग केवल 3 दिन देने वाले हैं अप्लाई करने के लिए। और इसी के साथ हो सकता है आपको एक से ज़्यादा स्कूल्स वगैरह में अप्लाई करना हो, वो दूर हो, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करें पहले अपनी प्रिपरेशन कर लें, फॉर्म्स वगैरह फिल करके रख सकते हैं हम इसके लिए और बाद में केवल सबमिट करना रहेगा। फॉर्म भरने की तिथि है 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक और वो भी केवल विद्यालय समय में। 5 नवंबर को क्या होगा जो आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूची प्रदर्शित की जाएगी। 7 नवंबर को इनकी पात्रता की जांच की जाएगी और एक वरीयता सूची बनाई जाएगी जो कि कम्प्लीटली क्या होगी अस्थायी। इसके बाद 9 तारीख आपत्तियां मांगी जाएंगी कि किसी प्रकार का कोई इशू है या नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं रहता है तो अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी जो कि स्थायी होगी और फिर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बट उससे पहले अगर मूल दस्तावेज जाँच होंगे अगर उसमें कोई खराबी पाई जाती है तो फिर मेरिट बेसिस पर नेक्स्ट पर्सन को वहाँ पर बुला लिया जाएगा। 12 तारीख को आदेश जारी होंगे और 7 दिन का गैप आपको दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए, जैसा कि ऊपर हमने पहले ही जान लिया था कि 7 दिन मिलेंगे आपको आदेश जारी होने के बाद ज्वाइन करने के लिए। अब एक बार गाइस हम आवेदन का प्रारूप देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको क्या करना है यहाँ पर चिपकाना है। आवेदक का नाम यानी कि आपका जो भी नाम है, आपके पिताजी का नाम, जिस विद्यालय में आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वरिष्ठ अध्यापक हो सकता है, सेकंड ग्रेड टीचर रेट लेवल 1 या 2, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लैब असिस्टेंट है या फिर PTI है, तो आपको क्या करना है आवेदित पद का नाम वहाँ पर लिखना है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 दिन मिलेंगे 2, 3, 4 नवंबर, तो आपने किस तिथि को प्रस्तुत करा आपको वो लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होनी चाहिए। इसी के साथ शैक्षणिक योग्यता, तो माध्यमिक यानी कि आपका 10th में कितना परसेंट है, कब आपने क्लियर करी और कितनी परसेंटेज है। संलग्न वन में यानी कि आपको 10th की मार्कशीट वहाँ पर देनी है। 12th में कब आपने पास करी, कितनी परसेंटेज है और उसकी मार्कशीट। आपका ग्रेजुएशन में कब आपने पास करी, कितना आपका परसेंट है और उसकी मार्कशीट। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में कब आपने उसको क्लियर करा, कितनी आपकी उसमें परसेंटेज है और उसकी मार्कशीट भी यहाँ पर संलग्न होगी। BEd या फिर इसके समकक्ष जो आपके पास योग्यता है जो कि आपकी टीचर ट्रेनिंग की क्या है क्वालिफिकेशन, तो आपको वहाँ पर बताना है कि कब तो आपने क्लियर करा है इसको और कितने परसेंट आपने वहाँ पर आए हैं, ताकि आपको मेरिट डिसाइड में क्या कर सकें वो लोग
इंक्लूड कर सकें, क्योंकि मेरिट सेट के लिए हमें परसेंटेज जाननी है ऑब्वियसली संलग्न, यानी कि यहाँ पर इसकी मार्कशीट सबमिट होगी। डीएलएड वही कब आपने पास करा, कितनी परसेंटेज है और उसकी मार्कशीट। वैध पात्रता परीक्षा यानी कि रीट उत्तीर्ण करने का जो प्रमाण पत्र है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना है। निवास का पता स्थाई, जहाँ पर आपका मेन पता है, और वर्तमान अगर आप अपना शहर या गांव छोड़कर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वर्तमान में आपका डाक का पता यहाँ पर आएगा। फ़ोन नंबर ऑब्वियसली बात है गाइज, अगर किसी के पास दो नंबर है तो ऑब्वियस ध्यान रखें आप लोग दो लिखें, क्योंकि बहुत बार नेटवर्क वगैरह इशू के कारण फ़ोन वगैरह नहीं मिलते हैं, और फिर कैंडिडेट इस चीज़ से क्या होते हैं, अगर कॉल वगैरह नहीं मिल रहा है तो इतना लोड कोई नहीं लेता। और ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे वाले जो टीचर्स वगैरह हैं वो बार बार कॉल करेंगे, तो अपने जो भी नंबर वगैरह आप दें वहाँ पर वो ध्यान रखें कि एक्टिव हो, ताकि आपको किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो। यहाँ पर जाति वर्ग, अगर आपके पास आरक्षण है तो ध्यान रखिए गाइस, आरक्षण का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आप हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, वीडियो कैटेगरी, ठीक है, फिर परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी आप बता सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान का कैंडिडेट होने का आपका क्या होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो सकता है मूल निवास प्रमाण पत्र ना हो, तो गाइज वैसे तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम है, बट ट्राई करें आप कि आपका ये बन जाए, और या फिर आप जो अपना ई मित्र वगैरह है उसकी एप्लीकेशन की क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, रिसिप्ट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत एक बार तो वहाँ पर अप्रूव के लिए भेज सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त, संलग्न करना है आपको 11वें 12, तो यहाँ पर आपको राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर भेजने पड़ेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची, संलग्न 1 से 12 तक, ठीक है, जितने भी आपने क्या करे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, स्वय प्रमाणित छाया प्रतियां सब पे आपके सिग्नेचर्स होंगे, और शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे, और शपथ पत्र आपको देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप क्या है ये है ध्यान रखिए गाइस, देखिए अगर आप इसको नोटरी से अभी बनवाते हैं तो पर शपथ पत्र 100 to 200 रुपीज़ तक लग जाते हैं। अगर आप 20 स्कूल्स में मान लीजिए अप्लाई करते हैं, 10 to 15 स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, तो देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अभी तो जो नॉर्मल आपका फोटोकॉपी का पेज होता है, एक नॉर्मल A4 साइज पेपर वाइट, उसी पे ये शपथ पत्र दे सकते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन होता है आप क्या करें, नोटरी वाला जो शपथ पत्र है वो वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा वो बता देते हैं, मैं श्री, अगर आप यानी कि बॉय श्रीमती, मैरिड गर्ल, और इसके अलावा अनमैरिड गर्ल्स जो हैं उनका नाम, ठीक है, और पुत्र पुत्री पत्नी श्री जो भी है तो जिनके आप लगते हैं उनका नाम आ जाएगा। विभाग यानी कि आप विभाग का नाम लिख सकते हैं जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा क्योंकि उन लोगों के लिए उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो अभी हम उपस्थिति दे नहीं रहे हैं, हम केवल अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगेन स्कूल का नाम और जारी विज्ञापन दिनांक, यहाँ पर दिनांक अगर आपको पता चलता है कि किस दिन ऑफिशियल वहाँ पर निकला है, जो कि शायद 1 नवंबर रहने वाला है, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये 30 मार्च आ जाएगा, यहाँ फिक्स है क्योंकि 30 मार्च को इसके रूल्स क्या हुए थे, जारी हुए थे, तो ये 30 मार्च आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सब लाइन केवल पढ़ने की है, इसमें हमें कुछ फिल करना नहीं है, और लास्ट में आपका क्या होगा, 2 साइन हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स कर सकते हैं। गाइज, इस फॉर्म को लेने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर ये फॉर्म PDF में क्या है अवेलेबल है, ताकि आपको कहीं पर भी ई मित्र वगैरह में परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ ई मित्र जिनको अभी तक इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, और वो कैंडिडेट्स की हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो मस्ट लाइक द वीडियो। अगेन आई एम सेइंग कि आप अपने फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स टाइम पर रेडी कर लें, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हमारे पास 30th अक्टूबर है और ज़्यादा दिन हमको मिलेंगे नहीं, हो सकता है किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग हो तो इतना कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइम पर रेडी करें। जो PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप ये मालूम कर लें कि कौन से आपके नियर बाय स्कूल में वैकेंसी निकलने वाली है। और दूसरी बात, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नियर बाय स्कूल, अगर आपको लगता है आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, ऐसा कुछ नहीं कि जयपुर का कैंडिडेट है, जोधपुर का कैंडिडेट तो वो वहीं पर ही अप्लाई करेगा, आप लोग अगर कहीं और भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस जैसा मैंने बताया कि प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा और आपको खुद को वहाँ पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा मेजर इशू रहता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्विक अपडेट्स के लिए भी आप मुझे DM कर सकते हैं, ताकि आई कैन ऐड यू इन माय व्हाट्सएप लिस्ट, और इसी के साथ क्या हो, आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं
टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड और स्कॉलरशिप वगैरह से, और इसी के अलावा कॉमर्स और राजस्थान जीके वगैरह के टॉपिक, तो उनको हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते ही हैं। गाइस जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बहुत सारे अपडेट्स के साथ। ध्यान रखिएगा 90,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर द वैकेंसीज। तो आई होप एंड विश कि सभी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग ज़रूर मिले, और आप अपनी जो टीचिंग एबिलिटी है उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अपना ध्यान रखें और चैनल के साथ बने रहें।